today what we learn, like how you can manage the your webmasters, like if you are thinking about the managing your website, and let's from Google point of view mein aapko like do options hai kafi sara Google ka features hai, but in terms of SEO अगर SEO के बारे में हम लोग जांच करते हैं और SEO के जो और रेदर देन हम लोग अगर बोलते हैं कि गूगल का जो फीचर्स जो है उसमें जो फीचर्स हम लोग का डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग में काम में आता है वो एक है तो गूगल वेबमास्टर्स एंड अनदर वन इज बेसिकली डेफिनेटली गूगल एनालिटिक्स. तो ये दोनों को कैसे मैनेज करना है, कैसे हाउ यू कैन गेट अ बेनिफिट, तो वो आजकल ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा रहेगा. लाइक इन वेबमास्टर्स जब आप कोई भी वेबमास्टर्स में आप लाइक आपके साइट ऐड करते हो, दिस इज फ्री टिल डेट इज फ्री फीचर्स, इज गिव यू द सम रिपोर्ट्स, इज गिव यू द सम रिपोर्ट्स एंड इनसाइट अबाउट योर वेबसाइट. जब आपका लाइक गूगल बॉट्स आपके साइट पे एंट्री ले रहा है, मतलब गूगल बॉट्स जब आपके साइट के इंडेक्स करने के लिए विजिट कर रहे हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन उनको मिल रहा है, क्या दिक्कत उनको हो रहा है टू एक्सेस दोस पेजेस, जो पेजेस आपके साइट पे है, जो पोस्ट आपके पेज साइजेस, जो फाइल्स एंड फोल्डर्स आपके साइट में है, उसमें एक्सेस मिलने के लिए क्या दिक्कत आ रहा है, क्या अच्छा हो सकता है, वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको गूगल वेबमास्टर में मिलता है. और इन एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखेंगे तो एनालिटिक्स में आपकी साइट पे जो यूजर आ रहा है तो वो यूजर्स कहां से आ रहा है, कितना आ रहा है, कहां से आ रहा है, क्या कर रहा है, और करने के बाद आपका वो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको जानकारी एनालिटिक्स में मिलेगा. ठीक है, एनालिटिक्स में हम लोग ऑडियंस के बारे में जान सकते हैं, उसके एक्विजिशन के बारे में जान सकते हैं, मतलब कहां से हम लोग उसको एक्विज कर रहे हैं, कौन कौन साइट्स हम लोग रेफर कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया कर रहे हो, आप एसईओ कर रहे हो, काफी सारा साइट के साथ आपके लिंक बिल्डिंग हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, तो कौन कौन साइट आपको ट्रैफिक बैक कर रहा है, मतलब उस साइट से कहां से आ रहा है, तो यू गेट अ सोर्स. और एक सेक्शन है बिहेवियर एनालिटिक्स में, जो जहां पे आपको पर्टिकुलर जानकारी वो मिलेगा कि लाइक बंदा जो आ रहा है वो क्या कर रहा है, क्या मतलब वो साइट पे आके क्या कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इज बेसिकली आई थिंक द अनदर वन बेसिकली वी कैन एनालाइज, दैट इज लाइक डेफिनेटली कन्वर्शन. अर्थात साइट पे तो आ रहा है, विजिट तो कर रहा है, ये पेज वो पेज में जा रहा है, वो साइट में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा. कन्वर्ट इन सेंस लाइक आपके साइट पे हो सकता है आपने कुछ डाउनलोड के लिए दिया होगा, शायद हो सकता है आपने कुछ इंक्वायरी जनरेट करने के लिए फॉर्म डाला होगा, शायद आपने कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो प्रोडक्ट सेल के ऊपर बेसिकली आप कन्वर्शन का जो गोल है वो सेटअप कर सकते हैं, उसी बेस में आपको रिपोर्ट भी मिल सकता है. तो वो एनालिटिक्स पे पार्ट हो गया. और इन्हें वेबमास्टर पॉइंट ऑफ व्यू जो अभी दिखा रहा हूं, जो स्क्रीन पे है, वो पर्टिकुलर आपको वो देगा कि यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, अच्छी यूजर एक्सपीरियंस बनने के लिए, एंड ओवरऑल लाइक जो गूगल सर्च क्रॉलर है लाइक हाउ दे कैन मेक इट मोर फास्टर योर वेबसाइट लाइक इंडेक्सिंग, एंड उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना, कोई भी दिक्कत है तो आप यहाँ पे जानकारी मिलेगा, एंड आई थिंक यू कैन मेक इट. ठीक है, फर्स्ट जो ऑप्शन आप देख रहे हैं मैसेज बॉक्स, दिस मैसेज इज बेसिकली विल गिव यू द इंफॉर्मेशन की गूगल के साथ जो कम्युनिकेशन हो रहा है, कुछ अगर गूगल का इंफॉर्मेशन आपके साथ, मतलब गूगल का इंफॉर्मेशन टीम, वेबमास्टर टीम्स अगर आपके साथ कुछ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो थ्रू दिस मैसेज बॉक्स यू कैन रिसीव द मैसेज. ठीक है सर, नेक्स्ट इज बेसिकली सर्च अपीयरेंस. सर्च अपीयरेंस इज अ सेक्शन की यहाँ पे आपको मिलेगा कि आपकी वेबसाइट सर्च में जो अपीयरेंस आ रहा है, मतलब जो अपीयर कर रहा है, तो उसमें कैसे आ रहा है, मतलब उसमें गूगल का कुछ फीचर्स है, जैसे कि गूगल का फीचर्स है स्ट्रक्चर डेटा एक फीचर्स है, उसमें रिस्क कास्ट एक फीचर है, डेटा हाईलाइटर एक फीचर्स है, वो फीचर्स है कि नहीं, अगर नहीं है तो इंप्लीमेंट कैसे करोगे, तो यहाँ पे वो जानकारी सारा मिलेगा. लाइक स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, स्ट्रक्चर डेटा में जब आप मतलब क्लिक करते हैं तो देखो आपका साइट में स्ट्रक्चर डेटा है कि नहीं, मतलब आपके साइट के जो बिजनेस डिटेल्स है, इंफॉर्मेशन है, वो आपको यहाँ पे होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे जाते हो स्ट्रक्चर डेटा में, देयर इज अ सम इश्यूज इज देयर लाइक एच एंट्री, जहां पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपका मिसिंग यहाँ पे दिखा रहा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिसिंग दिखा रहा है
वो भी आपको जानकारी मिलेगा। लुक एट दिस ऑथर कब अपडेट हुए है, तो ये सारा जो पोस्ट है आपका ये आपके यहाँ पे मिसिंग है। तो ऑथर इज बेसिकली इंपॉर्टेंट की ऑथर का कि कौन कौन पेजेस आपका है, तो उसका कब कौन किया है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहना है। तो वी हैव टू इंट्रीगेट सम लाइक प्लगइन्स थ्रू व्हिच बेसिकली वी कैन क्रिएट दिस थिंग्स। ठीक है, जैसे कि आपके एज कार्ड इंटीग्रेशन प्लगइन्स है जो आपको हेल्प करेगा कि माइक्रोफॉर्मेट्स और इंफॉर्मेशन आपको सप्लाई करने के लिए, तो दिस विल गिव यू द बेटर यूजर एक्सपीरियंस एंड यू विल क्रिएट इट। आपको यहाँ पे गलती दिखाई दे रहा है, आपको सुधारना है। ठीक है, नेक्स्ट इज बेसिकली रिच कार्ड्स। रिच कार्ड होता क्या है? रिच कार्ड्स को बेसिकली हम लोग रिच स्निपेट्स और स्किप नाम में भी हम लोग जानते हैं। इसमें फायदा जो होता है लाइक इन गूगल गाइस, अगर गूगल में जाते हो आप देखते हो कोई भी रेसिपी साइट ओपन करते हो तो देखते हो कि वो रेसिपीज को कितना बंदा ने पसंद किया है, कितना बंदा रिव्यूज दिया है, कितना बंदा लाइक्स किया है। सो ये आपको जानकारी मिलेगा। और पास आपको देखते हो कोई भी इवेंट का, वहां पे भी आपका रिच कास्ट रहता है, कब हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी मिलता है। सो प्लेंटी ऑफ गूगल्स इंट्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ रिच स्निपेट्स जो आपकी साइट के कंटेंट के मुताबिक आप यूज कर सकते हो। क्या क्या है जानकारी के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो एंड यू विल गेट द लिंक्स वेयर यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। अभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली आपको आपके साइट पर जाना पड़ेगा एंड उसी बेस में इफ इट इज अ वर्डप्रेस साइट आपको वर्डप्रेस का जो प्लगइन्स है, रिच स्निपेट्स का जो प्लगइन्स है वो इंटीग्रेट करना है एंड इंटीग्रेट के साथ साथ आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेना, उसी बेसिस में इन्फॉर्मेशन देते रहना एंड इट विल कम अप इनटू द योर थिंग्स। जो आपके जो यहाँ पे लाइक ऑप्शन जो है लाइक आपके अगर रेसिपी वेबसाइट है तो ये आपको फायदा दे सकता है क्योंकि यहाँ पे आपका वीडियोस, आपका कमेंट देख सकते हो कितना बंदा ने ये अप्रिशिएट किया है, सो कितना टाइमिंग ये लगता है, सो ये सारा का सारा जानकारी आप रिच स्निपेट से दे सकते हो। उसमें क्या होना, बंदा अट्रैक्ट होता है, एक एक चीज आपको दिखा रहा है, जस्ट मैं एक रेसिपी डाला है, सॉरी। Now, if I check these search results, so in that cases, अभी यहाँ पे कुछ नहीं आया। Look at this. जब मैंने एक का रेसिपी दिया, अब देखो यहाँ पे काफी सारा वेबसाइट आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं? ये तो वीडियो से आ रहा है, नहीं वीडियो से नहीं, ये मैं मतलब साइट का, ये भी यहाँ पे क्या है ना, ये जो इमेज दिखा रहा है ना, look at this, ये तीन साइट जो अगर ये मैं ऐसे कर देता हूँ, मैं ऐसे कर देता हूं, ये तीनों साइड में आपका आप कहां पे जाएगा, कहां पे आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है क्लिक करने और जानकारी के लिए, डेफिनेटली थर्ड वन। सो ये पिक्चर्स विल गिव यू द सम पॉइंट ऑफ एंट्री टू गेट अ मोर हिट्स। अगर ये दोनों कंपेयर करते हो तो देखो ये बंदा ने अच्छा तरीके से इसको रिसिपीज को यूज किया है, पिक्चर्स भी है, रेटिंग भी है, रिव्यूज भी है, कितना मिनट इसका टाइमिंग लगता है वो भी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे जानकारी के तौर पे मिल जा रहा है। तो कुछ इज फैंटास्टिक फॉर द गेटिंग यूजर अट्रैक्शन, कितना कैलोरी इसके मतलब वो यूज हो रहा है बाय प्रिपेयरिंग दिस रेसिपी, वो भी आपको जानकारी मिलेगा। तो दैट फैंटास्टिक फीचर्स यू कैन इंटीग्रेट विथ योर वेबसाइट जो आपको यूजर्स को एक बेटर एक्सपीरियंस दे सकते हैं, और वो एक्सपीरियंस अगर सर्च में आता है तो यू कैन एक्सपेक्ट अ मच मोर लाइक बेटर ट्रैफिक रेदर देन द मैनुअल जो आपकी वेबसाइट है अभी वो, तो इंप्लीमेंट करने से वो फायदा आपको मिलेगा। एंड नाउ इफ आपका इवेंट का साइट है तो इवेंट ऐसे आपको दिख पाएगा, प्रोडक्ट्स का साइट है, रिव्यूज का साइट है, स्पॉन्सर्स का साइट है, तो देयर आर प्लेंटी ऑफ मार्कअप, यू कैन यूज इट as I, if you have a plugins and all, but if you don't have a WordPress website and all, so aapko manually aapko developer ka, if you are a developer or if your website developer jo kiya hai, agar wo like custom PHP mein develop kiya gaya hai, custom .NET site hai, aur nahi to aapka HTML site hai, to wo custom aapko implement karna hai, matlab आपको जानकारी है तो फाइन, अदरवाइज यू हैव टू टेक द हेल्प फ्रॉम द डेस्कटॉप पीपल्स हु कैन इंटीग्रेट दिस थिंग्स इनटू योर वेबसाइट। नेक्स्ट इज बेसिकली आपको यहाँ पे जो सेक्शंस मिलता है वो डेटा हाईलाइटर। डेटा हाईलाइटर होता क्या है?
Data highlighter basically give you the like facility, like you can highlight some data and you can give a better information about those sections. Like for example, आप देख सकते हो यहाँ पे like if you are putting these things, तो आप यहाँ पे tagging कर सकते हो कि ये आपका business address का business का name है, ये आपका address है, ये date है, तो ऐसे करके आप दिखा सकते हो आपके पेज की कुछ कंटेंट को, आप ऐसे करके हाईलाइट कर सकते हो, टैग कर सकते हो, जो आपकी सर्च रिजल्ट्स में ये बेहतर आपको रिजल्ट्स देगी एंड इंफॉर्मेशन भी सप्लाई करेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे लाइक यू कैन चेक दिस इवेंट्स, अपकमिंग इवेंट्स का कैसे दिखते हैं आप, इफ यू आर गोइंग फॉर द लाइक फूड प्रोसेसर और समथिंग, रेटिंग, रिव्यूज, स्टॉक्स, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे सप्लाई हो सकता है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस डेटा हाईलाइटर सेक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट आ रहा है एसटीएम इंप्रूवमेंट। एसटीएम इंप्रूवमेंट में होता क्या है, एसटीएम इंप्रूवमेंट में देखो लाइक यहाँ पे दो और जो आपका टाइटल टैग दिखा रहा है कि डुप्लीकेट आ रहा है, यहाँ पे आपको मिलेगा कि आपकी साइट पे जो पेजेस और पोस्ट है इस टेक्निकली एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू में सारा का सारा, हम लोग जब आपने एसईओ किया है आपको जानकारी मिला था वहां पे कि जो भी आपका वेबसाइट में पेज होगा और चाहे पोस्ट होगा उसमें आपको यूनिक टाइटल और यूनिक डिस्क्रिप्शन देना है। अगर नहीं दे रहा तो यहाँ पे वो इंडिकेशन आपको मिल जाएगा। आपको डुप्लीकेट टाइटल टैग्स है दो पेज में, तो पेज आप देख आपको यहाँ पे दिख रहा है, व्हिच इज फैंटास्टिक। आप उसमें जाके आप वो फिक्स करा लेना तो आपको इट विल कम अप, देख लो समर फैशन हॉल क्विक फिक्सेस, आई थिंक ये आपका डिफॉल्ट कुछ आपका हाँ, तो यहाँ पे जो टाइटल है वो टाइटल कहीं ना कहीं डुप्लीकेट हो रहा है, सो आपको वो टाइटल को थोड़ा चेंज कर देना है ताकि ये डुप्लीकेट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज बेसिकली एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस इज बेसिकली इज नथिंग बट लाइक आपकी जो वेब पेजेस है तो वो आपका मोबाइल फ्रेंडली, एंड इफ इट इज अ मोबाइल फ्रेंडली एंड मोबाइल यूजर्स के लिए आप ये सेक्शंस को ऑप्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ताकि मोबाइल यूजर्स जो है उसको आपका लाइक स्लो नेटवर्क में भी आपका इंफॉर्मेशन सही ढंग से मिल सकता है, ठीक है। सर्च ट्रैफिक, सर्च ट्रैफिक ये जो सेक्शन है यहाँ पे आपको यूजुअली सर्च ट्रैफिक की एनालिटिक्स जो डेटा है आपका जो गूगल एनालिटिक्स डेटा है वहां से खींच के यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन वो शेयर करते हैं जो आपको लाइक इफ यू गोइंग फॉर द सर्च एनालिटिक्स देन यू कैन गो अहेड फॉर कि कहाँ से बंदा आ रहा है, कौन कौन टर्म्स से सर्च करके आपको आ रहा है, जैसे हुक राजा जी बोल के कुछ आपने डाला होगा क्वेरीज, तो उसमें हुक राजा जी जब कोई किसी बंदा ने आपका सर्च कर रहा तो देयर इज अ चांसेस देयर इज अ चांसेस कि आपकी वेबसाइट उसमें लाइक रैंक कर रहा है, तो इन दैट सिनेरियो यू कैन एक्सपेक्ट लाइक ट्रैफिक फ्रॉम दोस वेबसाइट। तो देखो नेचुरल कुछ सर्च आ रहा है, अगर वो अच्छे तरीके से आपके साइट को मैनेज करोगे तो ये और बेटर रिजल्ट्स आपको दे सकता है। लेकिन इससे आपको जैसे कि चोली के बुक, हुक राजा जी, कालू राजा, ऐसे करके कुछ कुछ जो है ट्रैफिक आपका ये रैंकिंग में आ रहा है, ट्रैफिक भी थोड़ा थोड़ा आपको मिलना स्टार्ट हो रहा है, सो यू कैन चेक अप क्लियर इंडिकेशन फ्रॉम दिस वेबसाइट दिस इंफॉर्मेशन की कहाँ से आ रहा है, तो यू फील गुड कि नहीं ये आ रहा है एंड देन यू कैन मूव अहेड फॉर द मोर बेटर सर्च रिजल्ट्स किया जा सकता है। आपके वेबसाइट के यहाँ से आपको जो मिलेगा वो पर्टिकुलर इज बेसिकली हाउ यू आर लाइक लिंक्स विद द अदर वेबसाइट, कि आपने दूसरा वेबसाइट के साथ कैसे जो आपने लिंक मिला है, कितना लिंक मिला है, जो गूगल ने इंडेक्स किया वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है। Like, आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल लिंक्स आपको दो मिला है एंड कहाँ से मिला, एग्जाम मॉड्यूल्स एंड यूट्यूब से, सो दिस इज ओनली द टू लिंक्स यू हैव रिसीव्ड, सो आपका लिंक बिल्डिंग बिल्कुल नहीं हो रहा है, सो लिंक बिल्डिंग नहीं करोगे तो साइट नहीं बढ़ेगा, अगर साइट नहीं बढ़ेगा ट्रैफिक नहीं आएगा, ट्रैफिक नहीं आएगा तो आपका अर्निंग भी नहीं आएगा, तो दिस इज द स्ट्रेट वे इक्वेशन।
नेक्स्ट इज बेसिकली आपको ये सेक्शन आपको इंटरनल लिंकिंग की हिसाब से आपको दिखाता है, लाइक आपके साइड में जो जो पेजेस है, जितना सारा पेजेस है, पोस्ट है, तो वो एक के साथ दूसरा को मतलब हाउ यू कैन लिंक, कैसे किया है, कैसे कनेक्टेड है, वो आपको यहाँ पे जानकारी मिलता है। देखने को और चेकिंग का यही रहता है कि आपकी जो भी पेजेस है, वो चाहे कैटेगरी पेजेस हो, चाहे डायरेक्ट लैंडिंग पेजेस हो, चाहे किसी पोस्ट है, तो उसमें एक दूसरे के साथ जुड़ा रहना चाहिए। जितना वो इंटरकनेक्टेड रहेगा उतना यूजर एक्सपीरियंस बेटर होगा, उतना आपका सास ट्रैफिक ज्यादा बाउंस रेट कम करने के लिए वो एक लाइक सम अच्छा टेक्निक है, और प्लस रैंकिंग के लिए भी वो अभी मायने रख रहा है। देखो यहाँ पे टिप्स स्टार्टिंग हेल्थ लाइफस्टाइल जस्ट फोर पेजेस के साथ जुड़ा हुआ है, सो व्हाई नॉट यू आर लिंकिंग दिस पेजेस विद द अदर सेक्शंस। मान लीजिए दूसरा आपका कैटेगरी है, तो उसके साथ आप रेसिपी दे रहे हो, तो ये रेसिपी भी चेक, यू कैन आल्सो चेक दिस रेसिपी, बोल के आपका रेसिपी के नाम दे दो और उसके साथ उसी पेज को लिंक कर दो। तो ऐसे करके एक के साथ दूसरे के कनेक्शंस ये यहां पे हो सकता है, एंड आल्सो यू कैन एंगेज योर विजिटर्स दिस वे। नेक्स्ट मैनुअल एक्शन, मैनुअल एक्शन ये जो सेक्शन है, मैनुअल एक्शन में यूजुअली क्या होता है, मैनुअल एक्शन में आपका कुछ अगर गूगल वेबमास्टर टीम आपको इंडिकेट करना चाहता है कि आपके कुछ स्पैम हो रहा है, आपके कुछ जो स्पैम आपको लाइक नोटिस करना है लाइक फॉर बेटर यूजर एक्सपीरियंस एंड फॉर बेटर रिजल्ट्स, सो आपको यहाँ पे गाइड करता है। एंड अभी तक आपका कुछ एक्शंस, कुछ स्पैमिंग एक्शंस अभी को इंडिकेट नहीं हुआ है, डिटरमाइन नहीं हुआ है, आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, तो देयर इज अ बेसिकली आप देख सकते हो नो मैनुअल वेब एक्शंस फंड, सो आपको कुछ नहीं करना है। इंटरनेशनल टारगेटिंग, इंटरनेशनल टारगेटिंग सेक्शन ऐसा होता है कि यहाँ से आप टारगेट कर सकते हो, आपका कंट्री टारगेट कर सकते हो, आप एक इंडिकेशन दे सकते हो गूगल को, नहीं मैं ये सेक्शन को और इस लाइक सम कंट्री को मैं टारगेट करना चाहता हूँ। मान लो कि आपके साइट किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, कौन सा टारगेटेड यूजर ज्यादा आपका फायदेमंद होगा टू एक्सेस योर कंटेंट, तो वो पर्टिकुलर आप यहाँ पे इंडिकेशन दे सकते हो। दिस इंडिकेशन विल हेल्प फॉर द जियोग्राफिकल वाइज लोकल रैंकिंग में ये आपको हेल्प होता है, ठीक है। लेकिन इट इज फॉर द इंडिया, सो यू मेक इट इंडिया, सो इंडिया में आपको ज्यादा वो लाइक यू विल गेट अ मोर वेटेज फॉर द इंडियन रैंकिंग एंड फैसिलिटीज, गेट इट। सो मैंने यहाँ पे मान लो कि इंडिया सेट किया। देन मोबाइल यूजेबिलिटी, मोबाइल यूजेबिलिटी इज बेसिकली आपका वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं, इस लाइक्स आपके मोबाइल साइट मोबाइल फ्रेंडली है, इसलिए आप देखो यहाँ पे नो मोबाइल यूजेबिलिटी एरर डिटेक्टेड, अगर है तो वो दिखा देते हैं। दिस सेक्शन इज विल शो यू दैट गूगल इंडेक्सेस, मतलब गूगल कितना पेजेस आपका इंडेक्स किया है, मतलब आपका साइट कितना इंडेक्स किया है। यहाँ पे यही देखना है आपका पेजेस और पोस्ट कैटेगरी सब मिला के अगर इससे ज्यादा है सेक्शन और वो इंडेक्स नहीं हुआ है, तो एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं गूगल वो क्रॉल नहीं कर पा रहा है, इंडेक्स नहीं कर पा रहा है। तो आपको वो आइडेंटिफाई करके उसको फिक्स करके यहाँ पे जितना इंडेक्स होगा, जितना नया पेज इंडेक्स होगा, जितना नया चीज इंडेक्स होगा, वो सर्च रैंकिंग के लिए आपको फायदा देता है। ब्लॉक रिसोर्सेस, ब्लॉक रिसोर्सेस इज बेसिकली रिसोर्सेस जहां से आप देख सकते हो कि आपकी साइट पे कुछ सेक्शंस अगर आपने ब्लॉक किए मतलब करके रखे हैं, वो रोबोट डॉट टीएक्सटी से हो सकता है और ऑल्टरनेटिव मेथड से हो सकता है, तो वो यहाँ पे दिखेगा एंड यू कैन चेक whether you have maybe आपने mistakenly एक कैटेगरी को आपने ब्लॉक करके रखा है रोबोट डॉट टीएक्सटी से, जो आपको शायद लाइक यूजर के लिए अच्छा हो सकता है, सो आप इंडिकेशन मिलने से वो रेक्टिफाई कर सकते हो। अभी कुछ नहीं है तो ये ग्रीन है तो इट्स फाइन। रिमूव यूआरएल का जो सेक्शन है इज बेसिकली गिव यू दैट सिग्नल्स, लाइक आप कुछ यूआरएल जो गूगल में दिखा रहा है लाइक आपका वेबसाइट का दिखा रहा है, इफ यू वॉन्ट टू स्टॉप इट, लाइक गूगल तो इंडेक्स क्लिक करके जब इंडेक्स करेगा तो ही गॉट्स अ लाइक अथॉरिटी टू शो इन सर्च रिजल्ट्स। अभी मान लो कि कुछ चीजें, कुछ साइट्स, कुछ लिंक्स आपको अच्छा नहीं लग रहा है रिगार्डिंग ऑन योर वेबसाइट, डेफिनेटली मेरा वेबसाइट में नहीं है, तो आपका वेबसाइट में पब्लिक बनना का मान लो कि एक सेक्शन है टर्म्स एंड कंडीशन, यू डोंट वांट टू शो इट फॉर एग्जांपल, तो वो क्या हो सकता है, आप यहां से टेम्पररी हाइड में आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो।
क्रॉलर। क्रॉलिंग एरर्स अगर कुछ है, मतलब क्रॉलिंग एरर्स क्या है, क्रॉलिंग एरर्स का मतलब यही है कि आपकी साइट पे गूगल जब इंडेक्स करने के लिए क्रॉल कर रहा है, मतलब जा रहा है साइट में, एंट्री ले रहा है, तब क्या क्या इश्यूज के वो फेस हो रहा है, क्या क्या इश्यूज उनको मिल रहा है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। नॉट फाउंड पेजेस, आपको ये जो सेक्शन था, कुछ कुछ सेक्शन आपको यहाँ पे था, जैसे कि हेल्थ एचडी पेपर, वॉलपेपर टू, apavuban@gmail.com समथिंग यूआरएल बन रहा था, वो अभी नहीं है। तो वो अभी नहीं, पहले था जब इंडेक्स किया था वो पहले था, बट उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम वो इंडेक्स करने गया तो उसको वो नहीं मिला, तो वो आपका 404 नॉट फाउंड में आ गया। पॉइंट इज, ये जो सेक्शन नहीं था अभी यहाँ पे है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू, आप क्या कर सकते हो, ये जो पेजेस इंडेक्स हुआ है आइदर ये आप रिमूव करा सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, आप इसको htaccess से .htaccess फाइल से रिडायरेक्ट करके जो पेजेस अभी है उसमें ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट इज बेसिकली क्रॉलर स्टैट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्रॉलर का लाइक कब क्रॉल कर रहा है, दिन में कितना बार कॉल कर रहा है, सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स इज बेसिकली आप देख सकते हो। पेजेस कॉल पर डे आपका लाइक 20th November में तो ज्यादा क्रॉल हुआ था, शायद आपने कुछ अपलोड किया होंगे और कुछ किए होंगे, तो वो उस टाइम सबसे ज्यादा पिक मिल रहा है, पिक दिख रहा है, या 19th में, सब देख लेना 19th में कुछ अपलोड किया है कि नहीं किया और समथिंग, सो उसमें ज्यादा पिक दिख रहा है। फेचेस, गूगल इज बेसिकली गिव्स यू दैट हाइलाइट्स दैट गूगल कैसे देख रहा है आपका साइट को। आप देखते हैं कि आपने, मैं आपको ऑलरेडी गाइड किया है कि जो हम लोग देखते हैं, मतलब जो वेबसाइट हम लोग देखते हैं, वो फ्रंट व्यू इज फॉर ओनली द यूजर्स। फॉर गूगल पॉइंट ऑफ व्यू, गूगल नेवर मींस लेट द कॉलर बिकम, बिकॉज व्हाट इज द कॉलर, दे आर द बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली, इट्स जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो वो इंस्ट्रक्शंस के माफिक जो जब आपका सॉफ्टवेयर काम करते हैं, एंड वो पर्टिकुलर्स आपका फ्रंट व्यू नहीं देखते हैं, वो इस फॉर द ग्रुप गूगल क्रॉलर आप इस पेज को वो डिटरमाइन करेगा, जस्ट कंट्रोल यू देके आप सोर्स कोड में चला जाओ, सोर्स कोड में ये कोड वो रीड कर पाता है, फ्रंट वाला नहीं, समझा। तो इन दैट केसेस दिस गूगल कैसे देख रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप फेच एंड रेंडर करके यू कैन एज ए पग्न पांडा को आप कैसे दिख रहा है, मतलब वो जो आपको दिखाया अभी इनफैक्ट, सो वो आपको यहाँ पे दिखेगा, मतलब वेबसाइट दिखेगा एंड वो उसका सोर्स को दिखा देगा, नथिंग एल्स। नेक्स्ट इज robot.txt टेस्टर। robot.txt टेस्टर, robot.txt आपके साइट पे है कि नहीं, ऑलरेडी है, और वो क्या क्या है, क्या क्या डिसअलाउ किया है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है नी, सो यू कैन टेस्ट इट, यू कैन रेक्टिफाई इट, यू कैन एड ऑन्स, जो आपका मर्जी कर सकते हो। साइट मैप्स इज अ वेरी फैंटास्टिक फीचर्स। साइट मैप अगर नहीं है तो आपको साइट मैप ऐड करना है, तो साइट मैप ऐड करने से क्या होता है, सर्च इंजन क्रॉलर को फायदा मिलता है कि नहीं, आपका पेजेस को इजी तरीके से इंडेक्स करने में इसके इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाता है। तो यू डोंट हैव एनी साइट मैप, सो आप sitemap.xml क्रिएट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इज बेसिकली URL पैरामीटर्स। URL पैरामीटर्स में आप का URL जो है, URL अगर अनरियलिस्टिक है, मतलब वो कोडिंग से है, डायनेमिक है, सो उसमें आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके वो इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। सिक्योरिटी इशू, सिक्योरिटी आपके साइट अगर कुछ हैक हुआ है, कुछ माली मैलवेयर का कुछ कोड है साइट पे, जो गूगल इंडेक्स करने के समय वो डिटेक्ट किया है, तो इमीडिएटली तुरंत गूगल आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो अभी कुछ नहीं है, आप देख सकते हो अभी कुछ नहीं है, सो इट्स वर्किंग फैंटास्टिक। अगर कुछ मिलेगा तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, एंड यू कैन रेक्टिफाई दोस कोड्स फ्रॉम योर वेबसाइट। अदर रिसोर्सेस इज बेसिकली नथिंग बट लाइक गूगल का जो अदर टूल्स है वहां से आपको देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आपको सात चैंपियंस का जो स्ट्रक्चर डेटा रिस्निपिस को देखने को मिला ना, तो ये यहाँ पे टूल्स है कि आपके साइट पे है कि नहीं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। गूगल मार्चिंग सेंटर, गूगल बिजनेस, जैसे कि गूगल लोकल लिस्टिंग करोगे तो गूगल बिजनेस नेम, पेज स्पीड, आपका पेज स्पीड कितना है साइट का, तो वो देखने के लिए, सो दिस ऑल आर द बेसिकली रिसोर्सेस टू मेक योर वेबसाइट मच मोर बेटर फॉर यूजर।
ठीक है। तो आई होप यू गॉट द होल सर्च कंसोल्स का जो डेटा है वो आपको जानकारी मिला है, देखने को मिला है। एंड अनदर थिंग्स आई वांट टू शो यू दैट फ्रॉम हियर यू कैन मेक इट लाइक लिटिल बिट आप कुछ कंट्रोल कर सकते हो। मान लो कि आप ये वेबमास्टर्स आपके टीम के साथ शेयर करना है, किसी के साथ शेयर करना है जो पर्टिकुलर यू वांट टू इन्वॉल्व दोस। सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एड न्यू यूजर करके आप यहाँ पे उसको कंट्रोल दे सकते हो। आप उसको फुल दे सकते हो, आप रेस्ट्रिक्टेड दे सकते हो। फुल मीन्स ही ऑल्सो कैन क्रिएट अ न्यू यूजर्स, ही कैन चेंज और समथिंग, और रेस्ट्रिक्टेड है वो सिर्फ देख पाएगा, कुछ चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग्स यू कैन मेक इट, एंड अदर्स इज फाइन। अदर्स वेरिफिकेशन डिटेल्स इसमें कुछ एसोसिएट्स, अगर आपके कुछ एसोसिएट्स है सोर्स वेबसाइट है तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो। नथिंग एल्स, चेंज एड्रेस, साइट सेटिंग, उतना कुछ नहीं है। साइट सेटिंग में आप यहाँ पे प्रेफरेंस आप दे सकते हो डेफिनेटली, बट यहाँ पे दोनों लाइक्स अवेलेबल रहना चाहिए इसमें। इफ यू आर गोइंग फॉर ये भी आपको वेरीफाई करना है कि ये भी अवेलेबल है। सो यूजुअली डोंट सेट अ प्रेफर्ड डोमेन, सो जो भी गूगल को मिलता है वो कर सकते हो, एंड उसी बेस में इट विल बी डिटरमाइंड। और आपको दिखाया कि अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप उसमें एक्चुअली गूगल वेब मास्टर यहाँ पे तो कर ही सकते हो। सेकेंड इज बेसिकली आपका मतलब अगर वर्डप्रेस है तो वर्डप्रेस में बाई डिफॉल्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है डॉट एचटीएक्सएस होते थ्रू में। अगर आपके मैनुअल साइट है, एचटीएमएल साइट है, तो डॉट एचटीएक्सएस से आपको रिडायरेक्ट करना है, आइदर यहाँ से यहाँ, नहीं तो यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो करना है, एंड यू कैन फिक्स द केमिकल इश्यूज थ्रू दिस। सो आई होप यू गॉट द होल लाइक ओवरव्यू कि आप कैसे एक वेबसाइट को और बेटर और बेहतरीन बना सकते हो आपको यूजर्स के लिए एंड सर्च इंजन रैंकिंग के लिए थ्रू वेबमास्टर्स। आपको जानकारी मिला है, काफी सारे इंफॉर्मेशन है जो इंफॉर्मेशन आप आपकी साइट पे इम्प्लीमेंट करके आपको साइट को और अच्छा बना सकते हो एंड और बेटर रिजल्ट दे सकते हो। और ट्राफिक भी आपको, आपने देखा कि सर्च एपियंस में अगर रिस्क पेज को आप स्मार्टली यूज करते हो तो इन दैट केसेस यू कैन एक्सपेक्ट अ मच मोर बेटर रिजल्ट फॉर योर वेबसाइट, ठीक है। So I hope you will make it and you will do it for intelligently. Okay. So ये session मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ।